एक ऐसा बिजनेस जिसको आप जानते भी हैं, यूज भी करते हैं, तो आपका एक सेगमेंट और मेंटेन हो जाएगा। ये बिजनेस हम ऑल ओवर इंडिया में गारंटी दे रहे हैं कि बहुत ही कम लोग इस बिजनेस को करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा बिजनेस जिसको आप जानते भी हैं, यूज भी करते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी साबुन बनाने के बिजनेस के बारे में। आपने बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा वॉशिंग पाउडर तो इजीली बना भी लेते हैं और आपने उनका डेमो भी देखा होगा, बनते हुए भी देखा होगा, बट आपने साबुन बनता हुआ नहीं देखा होगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी साबुन के बारे में। तो अगर आप वॉशिंग पाउडर का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, आपका एक सेगमेंट और मेंटेन हो जाएगा। वॉशिंग पाउडर के साथ में आप इस साबुन को क्या बिजनेस भी आप कर सकते हैं। इस तरह के ये साबुन वगैरह हैं, इस मशीन से बनते हैं, तो इसकी फुल डिटेल जान लेते हैं। तो आप वीडियो को बीच में भी स्किप नहीं करना है। आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके और इसको शेयर करें अपने पापा दादा मामा बुआ फूफा सभी लोगों के साथ में, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगा और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका भी स्वागत है हमारे कंपनी एसबी इंजीनियरिंग नागलोई दिल्ली में। जी सर, तो सर आज आप बताएं इस बिजनेस के बारे में। इसको इजीली किसी ने लगाया भी नहीं है और ये यूज बहुत ज्यादा किया जाता है, तो आज साबुन के बिजनेस के बारे में आप बताएं। तो आज हम बिजनेस आपको बताने वाले हैं साबुन मशीन के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाहे वो आपको धोने का साबुन बनाना हो या डिश वॉश बार हो, यानी कि आपको बर्तन धोने का साबुन बनाना हो, या आप अपने बालों को धोएं या अपने बॉडी को, यानी कि नहाने का साबुन हो, यानी कि किसी भी तरह का साबुन बनाने के लिए आपके सामने इस तरह की जो मशीन आप देख रहे हैं, जिसपे आप सीढ़ी पे चढ़ के भी आप अपना काम कर सकते हैं। और इतनी बड़ी मशीन है कि आप आराम से ऊपर चढ़ के एक बार देखिए, ये मशीन से आप हर तरह के साबुन बना सकते हैं, यानी कि डिश वॉश बना सकते हैं, बाथिंग सोप बना सकते हैं, डिटर्जेंट टिकिया बना सकते हैं। और इस मशीन के बारे में हम पूरी की पूरी अभी आपको जानकारी देने वाले हैं कि इसका प्रोसेस कैसे है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो मशीन है इसको प्लॉडर मशीन बोला जाता है। जैसा कि आप ये छेद है, इसी मुहाने से जो है आपका डिटर्जेंट केक बन के निकलता है। जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, डिटर्जेंट केक बन के कैसे आपके सामने निकल रही है। जी, तो ऐसे मशीन से जो है आप डिटर्जेंट केक बना के और मार्केट में बिल्कुल ही आसानी से सेल कर सकते हैं। और ये बिजनेस हम ऑल ओवर इंडिया में गारंटी दे रहे हैं कि बहुत ही कम लोग इस बिजनेस को करते हैं, यानी कि न के बराबर है इस बिजनेस को करने वाले। तो सर इसके यूज बहुत ज्यादा है और बनाने वाले बहुत कम है। इसके बिना तो हमारा घर का बाथरूम हो या हमारा किचन हो, कभी भी खाली नहीं रहता। तो इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलना। तो सर इसमें ऐसा तो नहीं है जैसे नहाने का साबुन अगर बनाएंगे तो उसमें अलग डाई वगैरह लगानी पड़ेगी, और कपड़े धोने का बनाएंगे तो उसमें अलग, क्योंकि डाई चेंज करनी पड़ेगी। डाइयां ओनली चेंज करनी है आपको, मशीन को बिल्कुल चेंज नहीं करनी। आपको मशीन में डाई लगाएंगे, उसी तरह का साबुन सारा कुछ बन जाएगा आपका। लेकिन मशीनों का सेटअप अलग अलग होता है, जैसा कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मशीन का सेटअप क्या है। आइए इधर दिखाते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मिक्सर मशीन है जिसमें हम लोग मटेरियल को मिक्स करते हैं। अच्छा। यानी कि मिक्स करने के लिए ये मशीन का मटेरियल मिक्सर है। और जैसा कि आप अभी बड़ी मशीन देखे, उसे प्लॉडर मशीन बोला जाता है, और ये उसी प्लॉडर मशीन का छोटा वर्जन है। ये आपका प्लॉडर मशीन है जिसे डिटर्जेंट केक बन के निकलता है, यानी कि ये दोनों मशीनों से आपका डिटर्जेंट केक बन के निकल जाता है, या आपको डिटर्जेंट ये डिश वॉश बार बनाना है वो भी बन के निकल जाएगा। उसके बाद इसमें जो तीसरा सेटअप होता है वो है आपका कटिंग मशीन का, यानी कि अगर डिटर्जेंट बार को कटिंग करना है। अच्छा। तो इस मशीन को हम इस मशीन से कट करते हैं, जितना शेप में आपको कट करना है इसको हम घटा और बढ़ा सकते हैं इस चीज से, यानी कि छोटा करना है छोटा कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। यानी इसी से हम सब कुछ कर सकते हैं। यानी तीन मशीनें लगानी पड़ेंगी अगर साबुन का बिजनेस करना है। पूरा का पूरा सेटअप तैयार हो जाता है, यानी कि डिटर्जेंट केक बनाने का, बाथिंग सोप बनाने का, और आपको डिश वॉश बार बनाने का, ये तीनों की तीनों चीजें बनाने के लिए आपको ये तीन सेटअप लेना पड़ेगा। तो सर अगर इस मशीन को कोई लगाता है तो इस मशीन से दिन भर में कितने साबुन बन जाएंगे? और ये प्रोडक्शन आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना तेजी से काम करते हैं, बट ये केजी में हम आपको बता सकते हैं लगभग आप 700 से 800 केजी तक पर डे का प्रोडक्शन कर सकते हैं। 700 से 800 केजी तक पर डे का प्रोडक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल जी। तो सर इसके लिए 3 फेज मीटर लगाना पड़ेगा क्या? बिल्कुल, ये जो मशीन है आपका 3 फेज में भी अवेलेबल है और सिंगल फेज में भी अवेलेबल है।
यानी कि आपको ये लगभग 3 से 4 किलोवाट का कनेक्शन लेने पे आपका अगर 3 फेज है तो 3 फेज में आप चलाइए, अगर आपके पास सिंगल फेज है तो सिंगल फेज में भी हम इसको बना के आपको दे देते हैं। तो सर जैसे कि अब इतनी बड़ी मशीन है इसको चलाना भी आसान नहीं होता है, तो इसमें कोई मेंटेनेंस वगैरह ज्यादा तो नहीं निकलता? नहीं नहीं बिल्कुल, आपको जो है मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। एक बार हमारे जो टेक्नीशियन है जो इंजीनियर है वो आपके पास जाते हैं और आपको पूरा फॉर्मूला देते हैं, आपको जिस तरह का फॉर्मूला चाहिए, अगर लोकल साबुन बनानी है एकदम सस्ती साबुन बनानी है उसका भी फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, अगर आपको बहुत ज्यादा हैवी क्वालिटी का साबुन बनाना है तो भी आपको फॉर्मुलेशन हमारे लड़के जाते हैं, और वो भी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि उसका हम कोई चार्जेज नहीं लेते हैं फॉर्मूला बताने का और फॉर्मुलेशन देने का और इंस्टॉल करने का। और ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं भी मशीन बैठानी है तो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी मशीन लेके जाइए और ये फॉर्मुलेशन के साथ में हमारे लड़के जाएंगे, बंदे जाएंगे, वो आपको ये बना के दिखाएंगे। तो सर इस मशीन को लगाने के लिए कितनी जगह की रिक्वायरमेंट है? इस मशीन को अगर आप लगाने के लिए जगह का जहां तक बात है बहुत ही कम जगह में आपका लग जाएगा, लगभग इसमें 300 से 400 स्क्वायर फीट में सारी की सारी मशीनें भी लग जाएंगी, उसमें आपका रॉ मटेरियल भी रखा जाएगा। तो सर इसमें एक ही बंदा काम करेगा या दो लोग? इस मशीन को चलाने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत है, मतलब एक जो है एक आदमी मिक्सिंग पे रहेंगे और एक आदमी प्लॉडर पे, यानी कि 2 लोगों की मिनिमम जरूरत पड़ेगी आपको। अच्छा, 2 लोग इस पे काम कर सकते हैं? हाँ जी, 2 लोग मिलके आसानी से पूरे दिन का काम 800 केजी आपका आराम से डिटर्जेंट केक निकाल लेंगे। तो सर इस बिजनेस को कोई करता है तो प्रॉफिट कितना कमा सकता है? प्रॉफिट की जहाँ तक बात की जाए तो एक डिटर्जेंट केक 1 केजी बनाने में जो खर्च है वो 15 से 18 रुपए के बीच में आता है, और एक डिटर्जेंट टिकिया जो है 5 रुपए का भी मार्केट में है जो लगभग 50 ग्राम के आसपास रहता है, और 10 रुपए का भी है जो 50 ग्राम ही होता है। इस तरह से आपको देखना है कि आपको प्रॉफिट कितना कमाना है, जैसा क्वालिटी आप देंगे मार्केट में वैसा ही आपको प्रॉफिट होने वाला है, यानी कि लगभग जो है अगर 800 केजी मार्केट में पर डे आप सेल कर देते हैं तो 1 केजी पे कम से कम भी प्रॉफिट अगर है आपको 20 रुपया के हिसाब से आपको लगभग 16,000 रुपये पर डे की कमाई हो गई। बट ये चीज है कि 800 केजी आपको डिटर्जेंट के सेल हो जाना चाहिए। बिल्कुल, वो तो जितनी ज्यादा सेल होगी उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ जी हाँ जी। तो सर जैसे कि मशीन बड़ी बड़ी है, ये तो मैं छोटी दिखा रही हूँ, आपने बड़ी मशीन भी लगाई है। बड़ी मशीन भी जैसे कि आप यहाँ पे आ जाइए, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आपकी तरफ से क्या सर लोन वगैरह की सुविधा भी? अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से लोन की बहुत सारी सुविधाएं चल रही हैं, जो लोग लोन लेके बिजनेस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, हमारे तरफ से कोटेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, और ऑल ओवर इंडिया में खासकर अभी यूपी बिहार झारखंड में लोन का जो प्रोसेस चल रहा है उस लोन पे भी हम लोग मशीनें प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सर आपके हिसाब से ये बिजनेस कैसा रहेगा? इससे बेस्ट कोई बिजनेस नहीं है, क्योंकि इसमें ना आपको भीड़ भाड़ मिलेगी, नहीं इसमें बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत कम रहने वाला है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ सिर्फ एक या दो जगह ही आपको ये डिटर्जेंट केक बनता है ऑल ओवर इंडिया में, अदरवाइज जो है ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही कम लोग हैं, या जो भी हैं वो एक छत्र राज है, जस्ट लाइक नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, मैं बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन आप देख रहे होंगे नाम तो इसे आपको पता चल जाएगा कि यही 2-4 लोग जो है मार्केट में छाए रहते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो इस बिजनेस को अगर आप करते हैं और कुछ नहीं करना, रिटेलर को बस थोड़ा सा प्रॉफिट आप ज़्यादा दे दीजिए, आपको नहीं मार्केटिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी और नहीं आपको बहुत ज़्यादा प्रचार करने का ज़रूरत पड़ेगा, ओनली आपको प्रॉफिट का रेशियो जो है थोड़ा सा बढ़ा देना है, जो रिटेलर हमारे दुकानदार हैं भाई साहब हैं उन लोगों का आप प्रॉफिट का रेशियो बढ़ा दीजिए, आपका बिजनेस धड़ल्ले से चल निकलेगा। तो सर इसमें जैसे इस बिजनेस को कोई करेगा तो उसमें मेन होता है फॉर्मूला। हाँ जी, अगर उनका फॉर्मूला सही है तो आसानी से वो सेल कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मशीन जो लोग परचेज करेंगे तो आप उनको क्या फॉर्मूला भी बिल्कुल बताएंगे? हमने जैसा कि बताया भी था अभी कि फॉर्मूला के लिए हम लोग कोई चार्ज नहीं करते हैं और ना ही मशीन चालू करने के लिए कोई चार्ज करते हैं, यानी कि इंस्टॉलेशन और फॉर्मुलेशन सब कुछ फ्री है, और यहाँ तक कि 1 साल तक का मेंटेनेंस तक फ्री हम दे रहे हैं, 1 साल के बाद 4 साल सर्विस भी हम लोग फ्री दे रहे हैं, 4 साल तक की सर्विस फ्री मिलेगी। बिल्कुल। तो फ्रेंड्स अगर आप साबुन बनाने की फैक्ट्री लगाना चाहती हैं तो बहुत बेस्ट है ये वाला बिजनेस, बड़ी मशीन भी आप ले सकते हैं, छोटी वाली भी ले सकते हैं, ये आपकी पॉकेट बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप इस बिजनेस को करना चाहती हैं तो डिस्कशन बॉक्स में हमने नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कुछ नए बिजनेस आइडिया में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।